Hello, dear learners. Welcome to other English classes. And today we are going to discuss dreams. Dreams is a poem written by John Dryden. Class eight English and all question answer today. I'm going to discuss.

so दैट ड्रीम्स आर अ रिजल्ट ऑफ imagination, imagination नॉट रीजन ठीक है नॉट रीजन that विल बी इमेजिनेशन सो दैट ड्रीम्स आर अ रिजल्ट ऑफ यहाँ पर इमेजिनेशन होना चाहिए था और यहाँ पर रीजन होना चाहिए था ठीक okay? है लेकिन ये उल्टा हो गया है सो ऑप्शन थर्ड विल बी योर आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू टू इज बीच फिगर ऑफ स्पीच हैज दोइ यूज्ड इन दीज लाइन्स इन लाइनों में पोइट ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है ड्रीम्स आर बट इंटरल्यूड्स विच फेरी मेक्स विच फैंसी मेक्स वेन मोनार्क रीज़न स्लीप सो यू हैव टू फाइंड आउट विच परसोनिफिकेशन यूजड हियर सो हेयर इज येयर यूज इज मेटाफोर मेटाफोर यहाँ पर यूज किया गया है इन लाइनों में एक दूसरे को कंपैरिजन किया जा रहा है ठीक है इसलिए नाउ व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोम इस पोएम का राइम राइमिंग स्कीम क्या है सो राइमिंग स्कीम इज द पर्टिकुलर पोएम इज ए ए बी बी सी सी जी ई ई एफ एफ जी एंड जी 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 एंड एच आई ये राइमिंग स्कीम वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है ठीक है ऑप्शन नंबर डी नाउ फोर्थ नंबर इज बीच बीच ऑफ दीज लाइंस सेट ऑफ लाइंस एंड इलस्ट्रेट दैट आवर अनकॉन्शियस माइंड रन्स रैंपेड व्हेन वी आर स्लीप कि हमारा जो माइंड है वो वॉक करता ही रहता है जब हम स्लिप करते हैं सो योर आंसर विल बी अ अब ऑफ कॉबला एंड अ कोट ऑफ किंग्स लाइट फ्यूम्स आर मैरी ग्रोशर फ्यूम्स आर सेड बोथ आर द रीजनेबल शॉल एंड रन मैड सो योर ऑप्शन विल बी थर्ड नंबर ओके now time to answer answer this question why does why does the poet call dreams as interludes so your answer will be kavi ne sapno ko अंतराल क्यों कहा है इंटरल्यूट्स क्यों कहा है

सो योर आंसर इज द पोइट कॉल्स ड्रीम्स इंटरल्यूट्स बिकॉज दे आर प्रिस एज इंटरपन्स और ब्रैक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्सनेस एंड अकरिंग बिटवीन पीरियड्स ऑफ वेकफुलनेस इट मीन्स कि पोइट ने सपनों को स्वप्नों को अंतराल इसलिए कहा है क्योंकि वो परसिप्ट कर रहे हैं और इंटरप्शंस और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी किस कंटिन्यूटी को ब्रेक करना और अन और जो कॉन्शस माइंड है अकरिंग बिटवीन पीरियड्स ऑफ वेकफुलनेस मतलब जागना और सो जाना तो सोने पर जो इंटरप्शन हो रहा है इसीलिए उन्होंने इंटरल्यूड वर्ड का यूज किया है द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब फैंसी एंड रीजन एज टू अपोजिट फोर्स इज वर्किंग इन इन आवर माइंड पोइट ने ऐसा क्यों कहा है कि रीज़न और फैंसी um, मतलब हकीकत और फैंटेसी काल्पनिक दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के अपोजिट है और वो हमारे माइंड पे फोर्स कर रहा है क्यों सो यंसर इज द पोइट डिस्क्राइब फैंसी एंड रीजन फैंसी एंड रीजन रीजन मीन्स वास्तविकता रियालिटी Reality and fancy means imagination, kalpana, imagination. So the poet describes fancy and reason as opposite, though no opposite word and both are opposite words, forces working in our mind to illustrate the contrast between imagination, means fancy, and original thoughts, it means reason. When reason slips, fancy takes over and leading to the creation of the फंटास्टिकल ड्रीम्स जो भी काल्पनिक सपने होते हैं उन पर कौन लीड करने लगता है रीजन और रीजन क्या है रीजन इज द रियलिटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाई डज द पोइट मीन बाई दी ऑफ डिस मेडली ऑफ डिसजॉइंटेड थिंग्स Explain in reference to the poem. So, the answer of the question number third is the phrase medley of disjointed things. Medley of disjointed things refers to the random and often logical nature of dreams where unrelated ideas, images, and experiences are combined in the in the half arch manner. and this highlights the chaotic and unpredictable quality of dreams as are depicted in the poem it means ki the phrase medley of disjointed things iska matlab hai ki asambandh cheezon ka jo mishran hota hai is phrase mein इस phrase में, में random and often illogical nature of the dreams मतलब सपनों के yadrichh और अतार्किक prakr तार्किक चीज़ों को यहाँ पर क्या कर रहा है रेफर किया जा रहा है संदर्भित किया जा रहा है और जहाँ पर असंबंधित जहाँ आइडिया है इस आइडिया से कोई भी किसी तरह का रिलेशन नहीं बन पा रहा की है इट मीन्स कि अनरिलेटेड आइडियाज़ हैं इमेजेज है एक्सपीरियंस है आर कम्बाइन इन दी हाफार्ज मैनर हाफार्ज मैनर क्या होता है कि एकदम बेहतरीन ढंग से अनमानित ढंग से क्या है संयुक्त हैं और इस पोएम में क्या दिखाया जा रहा है कि इसके जो क्वालिटी है इसकी क्वालिटी अनप्रिडिक्टेबल है जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ड्रीम आइज डेपिक्टेड इन द पोम जिसको कि पोएम में डेपिक्ट करने का चित्रण करने की कोशिश की गई है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डज द पोएट कंक्लूड द पोम पोएट जो पोएट हैं वो इस पोएम को कैसे करके कंक्लूड कर रहे हैं सो द आंसर इज द पोएट कंक्लूड्स द पोएम बाय स्टार्टिंग दैट ड्रीम्स आर एसेंशियली फार्सिकल एंड एब्जर्ड क्रिएशंस ऑफ माइंड and liking them of ऑफ so in this line the poet want to say that उनका कहना है पॉइट का कि कि ये इस तरह से इन्होंने इसका इनको कंक्लूड किया है समापन किया है कि जो जो ड्रीम्स हैं वो क्या है वो माइंड की एकदम एब्सर्ड क्रिएशन है एब्जर्ड क्रिएशन है बेतुकी रचना है माइंड की इससे ज्यादा कुछ नहीं क्रिएशन ऑफ माइंड एंड लाइकिंग देम टू कैमरस इमेजनरी क्रिएचर विद द फैंटेस्टिकल फीचर्स एंड दिस अंडर स्कोर द नेशन ऑफ दैट ड्रीम्स आर नॉन सेंसनिकल नॉन सेंसिकल एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी इस इन लाइनों में पोइट कहना चाह रहे हैं कि ये जो इमेजनरी क्रिएशन है इनकी जो कंपैरिजन करना और जो जो दूसरा कल्पना है उनकी विशेषताओं से वो कल्पना पूरी तरह से उससे लैश होता है उनकी जितनी भी इमेजनरी है वो सबसे लैश होता है और इस तरह से ये इस बात पर एम्फासाइज किया जा रहा है कि जो ड्रीम्स uh, होते हैं वो डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी होते हैं वो रियलिटी से बहुत दूर होते हैं और नॉन सेंसिकल होते हैं सो so, ड्रीम का रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है यही ये पॉइंट इन लाइनों में कहना चाह रहे हैं नेक्स्ट नाउ कम टू द reference to the context question read these lines from the poem and answer the questions that follow so what is the lines and many monstrous form in sleep be she that neither were and nor are nor are can be sometimes forgotten these long cast behind and rush forward in the brain and come to mind and the nurses listened are for truth received

फोर ऑप्शन नंबर फोर थ्री एंड फोर दे आर टू वॉयेंट क्या वो बहुत ज़्यादा हिंसक हैं हिंसक हैं एंड दे ऑनली अपीयर इन दी नाइट मेयर क्या वो खाली नाइट मेयर में आते हैं सपने में आते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट दे डू नॉट एग्जिस्ट एंड दे एग्जिस्टेड एड मैनी ईयरस वो आपका आंसर सिर्फ यही होना चाहिए था कि दे डू नॉट एग्जिस्ट लेकिन वहाँ एक अकेला एक ऑप्शन कहीं पर नहीं है इसीलिए लिए थ्री एंड फोर इट मीनस फोर्थ नंबर विल बी योर आंसर विल बी योर आंसर नाउ कम टू द बी नंबर वॉट कैन बी दी ऑफ दिज लाइन्स एंड दिज लाइन्स इज समाइम्स फॉर गटेन थिंग्स लॉन्ग कास्ट बिहाइंड एंड रस फॉर्वर्ड इन द्रेन एंड कम टू माइंड इसका क्या मतलब है सो तो आंसर विल भी नंबर थर्ड दैट फॉरगटन थिंग्स ऑफ द पास्ट कैन अपीयर इन आर ड्रीम्स कि हम लोग वो वो सारे थाट्स वो सारे चीज़ें जो हमारे पास्ट में हुआ है वो हमारे ड्रीम में आता है अगर हम भूल जाते हैं चीज़ों को वो सब हम याद नहीं रखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हु बिलीव्ड दर्सेस द नर्सेसेंट एज ट्रू कौन बिलीव करता है कि जो नर्सेंट है ये सच बात है सो द नर्सेंट्स आर बिलीव्ड एज ट्रू बाई दैन इन द पोएम कि इस पोम में जिस आदमी की बात की जा रही उन्ही को उस पर बिलीव है नाउ नंबर वट डज द पोइट मीन बाई द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द अबव ऑस्टेंजा तो लास्ट दो लाइनों का क्या मीनिंग है स्टेंजा में सो द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू स्टेंजा इज द पोइट मीन्स दैट ड्रीम्स आर इसेंशियली एबज एब्ज वो एकदम बेतुखा है एंड नॉन सेंसिकल है कोई सेंस उसमें नहीं है नॉन सेंसिकल क्रिएशन ऑफ द माइंड हमारे माइंड का बेतुखा उपज है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लाइक एनिंग देम टू कैमरास इमेजनरी क्रिएटर विकल फीचर विच आर मोर और लेस एब्जर्ड की ये एकदम बेतुखा है माइंड का क्रिएशन है सपना और रियालिटी में दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है रियालिटी रियालिटी है और इमेजिनेशन इमेजिनेशन है नाव आई थिंक वी हैव फिनिश्ड आवर ऑल क्वेश्चन आंसर रिफरेंस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आई थिंक वी हैव कम्पलीटेड All parts. Thank you. Thanks for watching. We will meet very soon with another video. Thank you.